वालेकुम स्टूडेंट्स एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ हमार, हमारा हमारा टॉपिक्स किन टॉपिक्स पर हमारे लेक्चर चल रहे हैं टेंसेज़ को हम डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस और उसकी सारी कैटेगरीज को डिटेल के साथ पढ़ा है उसके बाद हम पास्ट टेंस हमने स्टार्ट किया है और पास्ट टेंस में हम प्रीवियस लेक्चर तक इसकी पहली दो कैटेगरीज़ यानी पास्ट का इंडेफिनेट टेंस और पास्ट का कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो पढ़ चुके हैं उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा एक बार फिर मैं आपको रिवाइज भी करवाता चलता हूँ और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनेट टेंस इसमें हमें क्या करना होता है ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की पास्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है हम लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डिड नॉट लगाते हैं और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में ले जाते हैं और सब्जेक्ट लगाने के बाद प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमें क्या लगाना होता है क्वेश्चन मार्क लगाना होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या था सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब चूँकि पास्ट हमारा टेंस चल रहा है वाज या वर हम लगाते होते हैं और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट और नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है आपको बखूबी मालूम है चूँकि आप पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद लव्स नॉट और वर्ब के आई एन जी फॉर्म और ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में ले जाते हैं यानी वाज या वर्ड और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब के आई एन जी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो यहाँ तक हमने पढ़े थे इनको हमने रिवाइज़ कर लिया आज हमारा जो लेसन नया स्टार्ट हो रहा है वो हमने पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस अब पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है स्टूडेंट्स इसमें हमें सबसे पहले वही पहचान करनी होगी कि ज़माना कौन सा चल रहा है इसका पता हो तो ज़माना फ़िक्रे का ओवरऑल मफहम जो है वो किस चीज़ को जाहिर करता है कि किसी काम के करने या होने का ज़िक्र तो हो लेकिन वो इस तरीके से जिक्र हो कि वो काम मुकम्मल हो चुका अख्ताम पजीर हो चुका ख़त्म हो चुका यानी तकमील का मफहम हो किसी काम के करने या होने का उसकी तकमील के साथ मुकम्मल होने के साथ ज़िक्र हो और उसके बाद उर्दू में कौन से ख़ास अल्फाज इस चीज़ की निशानी देंगे चुका है पास्ट टेंस चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो चुका था चुकी थी चुके थे वगैरह होगा या इसके अलावा अगर कोई अल्फाज आएंगे उर्दू के तो वो किस सूरत में आएंगे लिया था लिए थे वगैरह के अल्फाज भी आ सकते हैं जब हमें पहचान हो जाती है कि कौन सा टेंस है और टेंस की कौन सी कैटेगरी है तो अब हमने ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन और उसके बाद आ, हमें हैड लगाना होगा और उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स दोबारा से हम कंपेयर कर लेते हैं कि प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा क्या था सब्जेक्ट के बाद हमने हैज़ या हैव लगाना होता था प्रेजेंट परफेक्ट में और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती थी पास्ट परफेक्ट में अगर आप देखें तो वही सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस जो है यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है यानी सब्जेक्ट के बाद हमें सिर्फ एक लफ्स की तब्दीली है प्रेजेंट में हैज़ है लेकिन पास्ट में सिर्फ हैड लगाते हैं तमाम सब्जेक्ट के साथ बाकी सीक्वेंस सेम है यानी वर्ब की वही पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं तो यू हैड अर्न योर सैलरी यानी यू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद अर्न जो है पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और योर सैलरी जो है यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड हैड के बाद नॉट का कलफ ताकि नेगेटिविटी का फीचर जो है वो इंक्लूड हो जाए सेंटेंस में और उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल

उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क हैड ही कॉट द थीफ एग्जाम्पल में देखें तो हैड हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और कॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल वर्ब वर्ब की फॉर्म और उसके बाद द थीफ ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के फीचर्स को कंबाइन करना है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद सब्जेक्ट के फ़ौर बाद लव्ज़ नॉट फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क एग्जाम्पल से पता चलता है हमें हैड ही नॉट कॉट द थीफ तो हैड हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस ही सब्जेक्ट सब्जेक्ट के फ़ौर बाद लव्ज़ नॉट और उसके बाद कॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट द थीफ और क्वेश्चन मार्क पर फिक्र कर सकता हम यहाँ पर आकर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस और उसकी तीनों कैटेगरीज जो हैं यानी सिंपल नेगेटिव, नेगेटिव या और अगर एक ही सेंटेंस में कंबाइन हो जाए तो किस तरीके से हम उन्हें पढ़ते हैं आगे चलते हैं यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा मजीद हम इसको एक बार फिर भी रिवाइज कर लेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी एक ऐसा टेंस या उसकी कैटेगरी जिसमें परफेक्ट टेंस का फीचर भी शामिल होगा और continuous का फीचर भी शामिल होगा अलामत के लिहाज से यानी उर्दू का फिक्रा जिसमें हमने अलामत या पहचान पढ़नी है तो वो पहचान हमारी किस तरीके से बनेगी यानी किस फिक्रे में किसी काम के करने या होने का ज़िक्र होगा और वो काम के जारी रहने को भी ज़ाहिर करेगा और साथ में हम वक्त का ज़िक्र भी करेंगे और वो वक्त का तयन भी होगा और वक्त के तयन और ज़िक्र के साथ साथ एक और पहचान कुछ ख़ास अल्फाज होंगे यानी वक्त के तयन वाले मिसाल के तौर पर सुबह से शाम से कल से आज से दो दिन से चार माह से पाँच हफ्तों से यानी ये वक्त के तयन वाले अल्फाज होंगे फ़िक्रे में और उसके बाद कौन से अल्फाज होंगे रहा था रही थी रहे थे वगैरह भी होंगे जो कि पास्ट कॉन्टीन्यूस के फीचर को ज़ाहिर कर रहे होंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हैड बीन और हैड बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और उसके बाद वक्त के तयन को ज़ाहिर करने वाले दो अल्फाज खास सीन्स या फॉर और लास्ट में जो वक्त प्रॉपर uh, टाइम का जो जिक्र है वो वक्त ज़िक्र कर देंगे मिसाल के तौर तो पर जहाँ घंटों का जिक्र होगा महीनों का दिनों का या सुबह शाम वग़ैरह किसी भी वक्त का जिक्र होगा एग्जैक्ट उसका तर्जमा भी साथ में हम कर देंगे एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं ही हैड बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर थ्री आवर्स ही सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हैड बीन और उसके बाद प्लेइंग आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट द क्रिकेट और उसके बाद फॉर सेंसिय फॉर में से यहाँ फॉर लगाया है हमने और उसके बाद थ्री आवर्स एग्जैक्ट टाइम जो है उसको लगा दिया है अब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस से अगर कंपैरिजन करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हमने हैज़ बीन या हैव बीन लगाया था अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ के साथ सिर्फ हैड बीन लगेगा बाकी सिक्वेंस आप कंपेयर कर सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरीके से नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड और हैड के फौरन बाद नॉट लगाना है फिर जो है बीन लगाना है यानी हैड बीन के बाद नॉट नहीं लगाएंगे वरना ऑर्डर गलत होने की वजह से सेंटेंस गलत हो जाएगा यानी हैड और बीन के درمیان में नॉट लव्स को ऐड करना है हमने उसके बाद बाकी सेंटेंस का सीक्वेंस ऑलमोस्ट सेम रहेगा वर्ब के आई एन जी फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस सिंस योर फॉर्म में से कोई एक लफ्ज़ और उसके बाद टाइम एग्जाम्पल देख लेते हैं ही हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग ही हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट सेंस मॉर्निंग इंटेरोगेटिव बनाने के लिए वही हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में और उसके बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद बीन फॉरन बाद बीन लगाएंगे और उसके बाद वर्ब के आई एन जी फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट से ऑफ द सेंटेंस के बाद फॉर्म में से कोई एक लफ्ज़ और उसके बाद टाइम होगा और लास्ट में जो है ए, हम क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे एग्जांपल देख लेते हैं जैसे हैड ही बीन प्लेइंग द क्रिकेट सेंस मॉर्निंग और लास्ट में जो है हमारा क्वेश्चन मार्क भी साथ में आ गया है अच्छा जी हैड हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में इंटरगेटिव बनाने के लिए ही सब्जेक्ट और उसके फौरन बाद बीन और उसके बाद आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेइंग की सूरत में और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और उसके बाद सिंस योर फॉर्म में से है हाँ हमारे सेंटेंस में जो है सिंस आ रहा है और उसके बाद जो है एग्जैक्ट टाइम जो हमारा मॉर्निंग बन रहा है वो लगाया है हमने और लास्ट में जो है हमने क्वेश्चन मार्क जो है उसको भी ऐड कर दिया है अब अगर इन दोनों चीज़ों को ऐड करना हो यानी दोनों फीचर्स को इंटरोगेटिव के फ़ीचर को भी और नेगेटिव के फीचर को भी तो उसके लिए हमारा सेंटेंस एग्जांपल अगर हम गौर करें तो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में हेल्पिंग हैड और उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद फॉरन नाट यानी नेगेटिव का फीचर ऐड करने के लिए और उसके बाद बीन कलफ़ और उसके बाद आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट द क्रिकेट और उसके बाद सिंस फॉर में से फॉर और उसके बाद एग्जैक्ट टाइम फिफ्टीन मिनट्स और क्वेश्चन मार्क जो है वो भी हमारा आ जाता है अब सारी चीज़ हमने परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ ली तो अब अगर इसको आ, इसके सारी कैटेगरीज़ को आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस से कंपेयर करेंगे तो आपको सिर्फ एक फ़र्क नज़र आएगा वहाँ हैज़ बीन हैव बीन या है हैज़ हैव है आया करता था कॉन्टीन्यूस इंटरोगेटिव बनाने के लिए तो यहाँ जो है हैड बीन सब के साथ आया है या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हैड जो आता है स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आता है बीन जो है बाद में रिपीट होता है एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस है सिर्फ इसी एक वर्ड हैज बीन है बीन और हैड बीन का फर्क के अलावा और मजीद क्लैरिफाई कर लेते हैं सिंस और फार अगर कुछ स्टूडेंट्स को पिछले लेक्चर में समझ नहीं आया तो मैं मजीद समझाने की को कोशिश करता हूँ ये दोनों वक्त के जिक्र या वक्त के तयन वाले अल्फाज के लिए आता है तो हमें कहीं सेंस लगाना होता है कहीं फार लगाना होता है क्योंकि वक्त तो हर एक सेंटेंस में होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से वक्त के साथ सिंस और कौन से वक्त के साथ फ़ार हमने लगाना है ऐसा वक्त जो मुकम्मल दौरानिया हो वक्त का उसके साथ फ़ार लगाया जाता है और ऐसा वक्त जो कि मुकम्मल दौरानिया हो वक्त का उसके साथ सिंस लगाया जाता है अब मुकम्मल दौरानिया का कंसेप्ट या मफहम क्या होगा वो ऐसे होता है जो कंप्लीट टाइम हो यानी कंप्लीट टाइम या मुकम्मल दौरानिया वक्त का उसे कहते हैं जिसके नुक़ आगाज़ का भी मालूम हो रहा हो और अख्तामी नुक़े का भी हमें मालूम हो रहा हो तो ऐसे वक्त के दौरानिए या वक्फे को मुकम्मल दौरानिया या वक्फ़ा कहते हैं इस तरह के वक्त के साथ फ़ार लगाया जाता है जैसे अगर तीन घंटे थ्री आवर्स का ज़िक्र हुआ है तो ये मुकम्मल दौरान है इससे पहले हमने फ़ार लगाया है इसी वजह से मुकम्मल दौरान कैसे हैं मिसाल के तौर पर अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो तीन घंटे का आपका पेपर का टाइम है आपका पेपर नौ बजे स्टार्ट होता है तो ये नौ एग्जैक्ट नौ बजे आपका स्टार्टिंग टाइम है यानी या आगाज़ है वक्त का अब नौ से जब दस बजेंगे आपका एक घंटा मुकम्मल होगा दस से ग्यारह दो घंटे मुकम्मल होंगे ग्यारह से बारह तीन घंटे मुकम्मल होंगे यानी तीन घंटे नुकता है, आगाज नौ और जो ही बारह पर घड़ी स्ट्राइक करेगी तो हमारा वक्त का अख्ताम हो जाएगा मुकम्मल हो जाएगा वक्त तो इस तरह के वक्त को जहां शुरू का भी पता चले और किसी काम के करने के लिए वक्त का और उस काम के करने का वक्त का अख्ताम का भी पता हो ऐसे मुकम्मल दौरानिया कहते हैं ऐसे तमाम वक्त के साथ फार लगाते हैं अब एक और फिक्रा जिस तरह मॉर्निंग सुबह अब मॉर्निंग सुबह एक वक्त को जाहिर करता है यानी किस कोई काम आपने शुरू किया शुरुआत किस वक्त से ली आपने सुबह से ली शुरुआत आपने किस वक्त से ली सुबह से ली लेकिन आगे कोई पता नहीं चल रहा कि सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ सुबह से खेल रहा हूँ सुबह से उठा हुआ हूं सुबह से काम कर रहा हूं अब ये आगाज का वक्त तो बता दिया आगे नहीं पता सुबह के बाद आपने सिर्फ़ दो घंटे तक काम किया सुबह से आपने दोपहर तक काम किया सुबह से आपने रात तक काम किया छः घंटे काम किया पूरा दिन काम किया दो दिन काम किया एक हफ़्ते काम किया आखिरी यानी अख्तिती वक्त का पता बिल्कुल नहीं चल रहा ऐसे वक्त के जिक्र को हम नामकम्मल दौरानिया या नामकम्मल वकफ़ा जो है वक्त का कहते हैं इस तरह के सारे अवतार के साथ हम सेंस लगाते होते हैं तो यहां तक स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है एक बार जो है आज जो चीजें पढ़ी हैं उनको रिपीट कर देते हैं आज जो है हमने पास्ट की कैटेगरीज में से दो कैटेगरी स्टार्ट किए पास्ट परफेक्ट टेंस उसके लिए क्या होता है हमें सब्जेक्ट और उसके बाद हैड लगाना होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हैड के फौरन बाद नॉट लगाते हैं बाकी सीक्वेंस सेंटेंस का सेम रहता है और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में ले आते हैं और बाकी सीक्वेंस वही रहता है यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वगैरह लगाते हैं और पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के लिए होता था सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ हम सब्जेक्ट के फौन बाद हैड बीन लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ ही वक्त के तयन वाले अल्फाज के लिए सेंस या फॉर और फिर एग्जैक्ट टाइम जो भी होता है वो लगाते हैं तो यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है उम्मीद है आप लोग सही तरीके से समझ चुके होंगे दोबारा इस लेक्चर को बार बार पढ़ें प्रेजेंट टेंस वाले को दोबारा देख पढ़ें और दोनों को कंपेयर करें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंतज़ार में रहिएगा जल्द ही एक और लेक्चर के साथ जिसमें हम फ्यूचर टेंस जो है उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे हाजिर होंगे आपके सामने अल्लाह